वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज अर्ली मॉर्निंग मेरा मेकअप है। अभी इतने पूरे सीजन में एक भी अर्ली मॉर्निंग मेकअप नहीं था, पर अभी है तो उठ के जाना पड़ रहा है। बड़ा ठंड लग रही है, इसलिए जोर आ रहा है, तो मैं तो उठ गई हूँ। चिकू को उठाती हूँ अभी और फिर साथ में ले जाती हूँ। कुछ खाना था, देखो अगर कुछ खाने की मेरी व्यवस्था होती है तो खा लेती हूँ। मेकअप डन हो चुका है, अब जाती हूँ घर पे। चिकू तो गए हैं बारात में, तो मुझे भी लेने आने वाला है नहीं, चलते चलते ही जाना पड़ेगा। और कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है सुबह से, पानी तक भी नहीं पिया। अब जाती हूँ घर पे, आराम से नाश्ता करती हूँ। नाश्ता कर रही थी, इतने में क्लाइंट का शॉप से फ़ोन आया कि आप आ जाओ, मुझे अर्जेंट काम है। वो कह रही मैं मेरी गाड़ी लेके किसी को भेज देती हूँ, पर आप आओ ले आओ, जाना ही पड़ेगा। नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ, नहीं नट्स खा रही थी वो भी पूरे नहीं खाए। गाइस शॉप पे जाके वापस से मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद नहाया, बाल बनाने बाकी हैं और खाना बन गया है। आज का खाना बनाया मम्मी ने, उड़द की दाल और मक्की की रोटी। देसी खाना था ना इसलिए। ये मक्की की रोटी और ये यहाँ पर बड़ी की कड़ी बनी है, बनाई के मामा जी के यहाँ से आई है। और ये उड़द की दाल, ये मम्मी का खाना। आज ये छोटी सी गिलहरी हमारे घर पे आ गई थी और क्या पता ये इंजर्ड हो गई है, क्या पता ये इतना फास्ट चल नहीं पा रही, पूंछ कट गई है इसकी। तो इसको हम ले आए हैं घर पे और अच्छे से इसको पिंजरे में सेट कर दिया, इसको खाना भी दे दिया है। दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी, फिर इसको छोड़ेंगे। नाव ने देखी थी, कैसे लग रही है तुमको? हाँ इसी का खाना है। तो मैं जाती हूँ अभी शॉप पे, कस्टमर भी आ गए हैं, खाना खा लिया है, पाल बनाए नहीं है, देख लो इतना टाइम है मेरे पास। सैलून पे मैं आ गई हूँ और अभी चल रहा है स्मूथनिंग का प्रोसेस। सो अभी हेयर वॉश करने के लिए क्लाइंट गया है, तो जैसे ही आता है बताते हैं उसके बालों की कंडीशन। एंड बिफोर रिजल्ट भी आप देखें और एंड आफ्टर रिजल्ट भी आप देखें। आफ्टर रिजल्ट, क्या हुआ क्या है इसको? मिले भी है? अरे हाँ क्या पता, ये बिल्कुल चल चल के ही चल रही है, उछल नहीं रही है। उछल नहीं रही, उछल भी नहीं रही है, दौड़ भी नहीं रही है। तो ये गिलहरी को अभी हम वापस से चिकू समझे कि पिंजरे में अपने आप आ गई है, तो इन्होंने खोल दिया पिंजरे से। मेरे को पता नहीं था, मैं ये यहाँ से धीरे धीरे दौड़ती हुई जा रही थी। हाँ तो बिल्कुल वही धीरे चल रही थी, इसलिए फिर मम्मी ने और ये नवने ने इन्होंने सोचा कि इसको इसमें ही डाल देते तो सही रहेगा। ये निकल ही नहीं रही थी, मैंने हाँ निकाला इसको। सही है, डाल दो, गेट बंद कर देना, गेट से ही निकल जाएगी। तब मैंने गेट खोल दिए थे। अच्छा तो इसको वापस से इधर रख दिया है और इसका खाने पीने का सामान भी रख देते हैं ताकि ये आराम से खा सके। ये जब तक सही नहीं होगी तब तक इसको छोड़ने का विचार नहीं है, सही हो जाएगी फिर छोड़ देंगे। यहाँ पर मम्मी और हम दोनों ने मिल के यहाँ मेथी साफ की है, साथ साथ बेबी डैडी से बात भी कर रहे थे। तो चलो अब अंदर जाके मेथी के पराठे बनाते हैं।
मैं अभी जैसे कि खाना खाने के लिए बैठी हूँ और अभी चिक्कू गए थे बाहर से गिलहरी को लाने के लिए, क्योंकि अब अपन ने उसको संभाल के रखा है तो पूरी तरीके से संभाल के रखते हैं ना, कि बाहर ठंड लगे या फिर कुछ दूसरा भी जानवर आके कहीं गेट वेट खोल दे, बिल्ली अभी बाहर आती है और वो भाग नहीं पा रही, इसलिए हमने उसको संभाल के रखा है, क्योंकि गिलहरियाँ तो कितनी दौड़ती भागती रहती है तो वो चल ही नहीं पा रही थी, इसलिए मम्मी ने उसको कहा पिंजरे में रखते हैं, दो तीन दिन इसका वेट करते हैं, सही हो जाएगी फिर ही छोड़ेंगे, ताकि इसको कोई खा नहीं लेने तो कुत्ते खा जाएंगे इसको, इसलिए उसको अभी मस्त अंदर ला के सुला दिया है, इसको कंबल वंबल उड़ा देंगे, जैसे हमारे मिट्टू को पैम्पर करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। और ये हमारा खाना पापड़ मेथी की रोटी, और मस्त खाते हैं, ठंड में खाने का मजा ही कुछ और है। अरे आजकल व्लॉग अब आपको छोटे ही देखने मिलेंगे, अब क्यों देखने मिलेंगे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी आपको, ठीक है? तो ओके बाय, आज का व्लॉग अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से छोटे व्लॉग में।